घ है मधु, मक्षिका, माधुर्यमेव जनयति। मधु मक्षिका के स्थान पर आएगा का, माधुर्यमेव जनयति। ण है तस्य, मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। मूर्धन्य के स्थान पर आएगा तस्य कस्मिन् हो जाएगा या तो ये, या फिर आएगा कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। अगला प्रश्न देखेंगे। उदाहरण के अनुसार पदानि पृथक् कुरुत, समुद्र मासात। तो इसमें से पद को अलग करना है। समुद्रम धन आसाद, ये उदाहरण दिया हुआ है। आगे देखेंगे माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव, अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, देवमेव देवम धन एव, महात्मना मुक्ति, महात्मनाम धन उक्ति, विपदा मादावेव, विपदाम धन आदो धन एव। यहाँ आपके प्रथम अध्याय के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तक और आपकी स्कूल नोटबुक में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।